नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज भारत सीखेगा इंग्लिश में हम जानेंगे कि क्या कहते हैं उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, यानी कि बिजली से चलने वाले उन उपकरणों को क्या कहते हैं जो हमारे घरों में होते हैं। आज हम उन सबके नाम इंग्लिश में जानेंगे और आज के बाद से उन नामों को हिंदी में ना बुलाकर सिर्फ इंग्लिश में ही बुलाएंगे, क्योंकि इंग्लिश की जो हमारी यात्रा होगी वह हम शब्दों से वाक्यों तक पहुंचेगी। हम शब्दों का इस्तेमाल करना सीखेंगे और धीरे धीरे अंग्रेजी के पूरे पूरे वाक्य बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए आज हम जाने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन से होते हैं हमारे। ट्यूबलाइट, टी यू बी ई, ट्यूब, L I G H T, लाइट, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट को हम हिंदी में भी ट्यूबलाइट बोलते हैं और इसे इंग्लिश में भी ट्यूबलाइट ही बोला जाता है। एक्चुअली ट्यूबलाइट अंग्रेजी शब्द है और अब हिंदी में भी अंग्रेजी को ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब लाइट। अगर हमें यह कहना है कि यह ट्यूबलाइट बहुत बड़ी है तो हम बोलेंगे इट्स अ बिग ट्यूबलाइट। टी U B E L I G H T, tube light. Pankha, fan, F A N, fan. Pankha, fan, F A N, फैन। अगर हमें यह कहना है कि यह फैन, यह पंखा बहुत सुंदर है तो हम बोलेंगे वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फैन, एफ ए एन, फैन, पंखा। बल्ब, बी यू एल बी, बल्ब, बी U L B, बल्ब। अगर हमें यह कहना है कि इस बल्ब को जला दीजिए तो हम बोलेंगे प्लीज स्विच ऑन द बल्ब, प्लीज स्विच ऑन द बल्ब, B U L B, बल्ब। स्विच, S W I T C H, switch, S W I T C H, switch। ज्यादातर जो बिजली के उपकरण है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, आप सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनका अंग्रेजी और हिंदी में एक ही नाम है, स्विच, S W I T C H। अगर हमें यह कहना है कि यह स्विच सफेद रंग का है तो हम बोलेंगे दिस स्विच इज ऑफ व्हाइट कलर, सफेद, व्हाइट कलर, रंग। स्विच, S W I T C H, स्विच। याद रखिए जिस भी कमरे में आप ना बैठे उस कमरे में जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं सबको बंद रखें, इलेक्ट्रिसिटी को जरूर बचाए। इस्त्री, आयरन, आई आर ओ एन, आयरन, इस्त्री, आयरन, आई आर ओ एन, आयरन, आई आर ओ एन, आयरन। अगर आपको किसी ने आपको किसी से बोलना है कि वह आपको आयरन दे दे तो आप बोलेंगे प्लीज गिव मी आयरन, या फिर प्लीज पास ऑन दिस आयरन टू मी, आयरन, आई आर ओ एन, आयरन। इस तरीको हम कहेंगे आयरन। तो आज हमने सीखा ट्यूबलाइट, फैन, बल्ब, स्विच, आयरन, ट्यूबलाइट, फैन, बल्ब,
स्विच, आयरन। इन सब की प्रैक्टिस रोज करिए, सभी शब्दों को हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में बोलिए और धीरे धीरे हम आपको ले चलेंगे शब्दों से वाक्यों की ओर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू सबकी शिक्षा।